इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, असेंबली का इलेक्शन। पहले मैं यहाँ पर यह कहूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसी तरह हक दिया जाना चाहिए जैसे रियासत जैसे दूसरी रियासतों के लोगों को, जो 36 रियासत सारी कंट्री में हैं, जैसे वो लोग वोट डालते हैं अपनी सरकार चुनते हैं, यहाँ भी मौका इन लोगों को मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव भी थी कि सेप्टेम्बर से पहले पहले यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। हम देख रहे हैं आज 10 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो, कंपटीशन तो यहाँ पर हरिद्वारा में हमेशा कंपटीशन होगी, ऐसी बात नहीं कि आज कंपटीशन हो रहा, हर वक्त यहाँ पर ये कंपटीशन हो रहा पास और आज भी हो रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, नई कोई बात नहीं, सब निकलेंगे। ये हरिद्वारा जो है ना, हरिद्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर हमेशा 70% के अराउंड वोट कास्ट हुए हैं। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो 72.9% यहाँ पर वोट कास्ट हुआ। अभी चूँकि शुरुआत ही है, 9-10 बजे हैं, लोगों को खाना वाना बनाना होता है, तो फिर भी यहाँ पर अच्छी तादाद में लोगों ने वोट डाले। 152 के करीब मेल वोट हुए थे, 92 फीमेल भी हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर टच करेगी 75 से ऊपर।